डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 88वें दीक्षांत समारोह में एफएच मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर हुमा जाफर को सर्वाधिक यानी कि 11 पदक मिले। डॉक्टर हुमा जाफर का कहना है कि आगे भी वह मेडिकल की पढ़ाई जारी रखेंगी और जरूरतमंद लोगों का निःशुल्क इलाज करेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो गोल्डन कल के जो अवार्ड मिल चुके हैं, 11 मेडल मिले, डॉक्टर हुमा जाफर हमारे साथ में, कैसा लग रहा है? हमारा दूसरा इंटरव्यू आपके साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगी, अपने कॉलेज को देना चाहूँगी और अपनी मेहनत को देना चाहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि आप मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए अपने काम में, पीस ऑफ माइंड रखिए, ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको नीचे करने की कोशिश करेंगे। आप उनको ध्यान नहीं दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए और सक्सेस अपने आप आपके साथ आएगी। मुझे 11 मिले, हो सकता है आपको मेरे से भी ज़्यादा मिले। अब आगे का क्या प्लान है? इसके बाद अगर पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मैं आगे सुपर स्पेशलिटी में जाना चाहूँगी, उसके लिए मुझे नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, INI CET का एग्जाम देना पड़ेगा, तो मैं उसी की तैयारी करूँगी अभी। अच्छा, अभी मार्कशीट का भी एक मैटर था आपका, मार्कशीट अभी तक मिली नहीं, आपके फादर बार बार विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे थे। नहीं, वैसा कोई चक्कर नहीं काट रहे थे, वो हम लोग कल गए थे वहाँ पर पूछने के लिए कि मार्कशीट कब तक आएगी, क्योंकि वो काउंसलिंग में चाहिए होता है, नीट पीजी की काउंसलिंग में, तो उन्होंने कहा कि मार्कशीट आ जाएगी आपकी, तो वैसा कोई इशू नहीं है। साथ में आज कौन कौन आया, मतलब मेडल के? मम्मी पापा दोनों आए। तो कैसा लग रहा है आज, क्योंकि सब साथ में है और राज्यपाल ने आपको मेडल दिया? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे माँ बाप का बहुत हाथ है मेरे सक्सेस में, बचपन से लेकर आज तक से पापा ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मम्मी तो करती रहती है, तो मैं यही कहूँगी कि आज उनके सामने मुझे गवर्नर ऑनर से मिल रहा है, इतनी 11 गोल्ड मेडल गोल्डन गर्ल का ताज, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, लगातार जो मेहनत करते हैं वही सफलता को आगे कुंजी पपाते हैं। लगातार जो गोल्डन गर्ल ने जो कर दिखाया, 11 मेडल जो मिले, ये बड़ा ही फख्र की बात है उनके लिए भी और उन लोगों के लिए सीख भी है जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ऐसी मेहनत करें और आगे बढ़ पाएँ। कैमरा अनुभव बगल के साथ लक्ष्मीराज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।